बॉलीवुड एक्ट्रेस और पूनम पांडे मुश्किलों में बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि पूनम पांडे और उसके पति सैम के खिलाफ अब 100 करोड़ की मानहानि का केस दर्ज करने की मांग की गई है। एफआईआर के लिए कानपुर पुलिस कमिश्नर तहरीर दे चुकी है। दरअसल पूनम पांडे ने सर्वाइकल कैंसर से मौत को लेकर झूठी अफवाह फैलाई थी। पूनम पांडे की मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और बताया जा रहा है कि 100 करोड़ के मानहानि की शिकायत की गई है। बॉलीवुड एक्ट्रेस और मॉडल पूनम पांडे की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। पूनम पांडे और उसके पति सैम के खिलाफ अब 100 करोड़ की मानहानि का केस दर्ज करने की मांग की गई। एफआईआर के लिए कानपुर पुलिस कमिश्नर तहरीर दी गई है। पूनम पांडे ने सर्वाइकल कैंसर से मौत को लेकर झूठी अफवाह फैलाई थी। कानपुर पुलिस कमिश्नर को ये तहरीर दी गई है। अमित गंजू हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गया। अमित, पूनम पांडे ने ये जो अफवाह फैलाई सर्वाइकल कैंसर को लेकर जागरूक करने की तरह से उनकी तरफ से बात की गई, लेकिन अब उनकी मुसीबतें बढ़ती ही चली जा रही हैं, क्या जानकारी? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मॉडल और पूनम पांडे ने कुछ दिन पूर्व अपने सर्वाइकल कैंसर के मौत की बात उसके ही मैनेजर के माध्यम से इसमें पोस्ट आउट की थी। उसके बाद कानपुर कनेक्शन, गोरखपुर कनेक्शन, दिल्ली कनेक्शन, मुंबई कनेक्शन से तमाम कनेक्शन सामने आते चले गए और पूरा दिन से लेकर रात और दूसरे दिन सुबह तक मीडिया से लेकर पुलिसकर्मी इस जांच में जुटे रहे कि आखिर मामला क्या है। मगर अब इन सबके बीच क्योंकि कानपुर का नाम सामने आया है, तो कानपुर के एक सामाजिक संगठन के व्यक्ति ने न्यायालय के माध्यम से जहां एक और 100 करोड़ की मानहानि की बात दावा ठोकते हुए एक एप्लीकेशन प्लेस किए, तो वहीं पुलिस के कमिश्नर को एप्लीकेशन दिए जिसमें इनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात की है। और इसके बाद सीपी कानपुर ने इसकी जांच एक समिति को दी और 72 घंटे के अंदर अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी होगी। उसके आधार पर जिन तथ्यों सामने आते हैं उन्हीं के आधार पर आगे फिर मुकदमे की कार्रवाई भी की जा सकती है। यानी आने वाले समय में पूनम पांडे की परेशानियां अब कहीं ना कहीं और बढ़ सकती हैं। ठीक है, हम देख रहे हैं कि अलग अलग रिएक्शन सामने आ रहे हैं पूनम पांडे को लेकर। कई लोग कह रहे हैं कि ये स्टेप जो उनकी तरफ से अवेयरनेस को लेकर उठाया गया वो ठीक है, पर कई लोग कह रहे हैं कि ये पब्लिसिटी के लिए स्टंट उठाया गया, ये कितना ठीक है? बताना चाहूंगा कि अवेयरनेस के लिए लेकर अपनी मौत की खबर को जिस प्रकार से उनके मैनेजर के माध्यम से, उनके पति सैम के माध्यम से जिस प्रकार से इसको फैलाया गया और उसके बाद लोगों के बीच ये भ्रम फैलाया गया, लोगों के बीच ये हॉक्स क्रिएट किया गया, उसकी मौत हो गई, यानी मीडिया माइलेज, पब्लिसिटी माइलेज गेन करने के लिए 26 से 28 घंटे तक लगातार अंडरग्राउंड रहना, रिलेटिव्स का फोन बंद हो जाना, हस्बैंड का फोन स्विच ऑफ हो जाना, अपना फोन स्विच ऑफ कर लेना, यानी कहीं ना कहीं पब्लिसिटी स्टंट बताया जा रहा है। ऐसे में कई लोग जो फैंस हैं वो आहत हुए हैं। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग इस बात से खुद चिंतित हैं कि इस प्रकार का स्टंट या इस प्रकार की पब्लिसिटी करना कितना सही है, कितना इस पर चर्चाएं लगातार होती चली गई, मगर अभी तक किसी ने इसकी एप्लीकेशन दी कर। पहला मामला ऐसा आना है कि कानपुर के न्यायालय में ये एप्लीकेशन लगाई गई है और 100 करोड़ की मानहानि की बात का एप्लीकेशन डाली गई है। ओके, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। खबरें लगातार जा रही हैं, वक्त बहुत ही छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।